हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 2nd of November 2023। आज का दिन 2 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने के लिए आया हूँ और हम सब मिलजुल कर इसको डिस्कस करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग, एंड प्लीज एक बार कन्फर्म कर देना कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। देन हम क्लास को प्रोसीड करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, 2 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली करंट अफेयर्स की हमारी ये जो क्लास है ये रोज शाम को 6:15 बजे होती है, जिसके अंदर हम डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और आज हम 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज जो हम क्लास के अंदर देखेंगे वो देखेंगे टॉपिक्स, कि कौन कौन से टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले टॉपिक्स देखते हैं। तो टॉपिक्स में सबसे पहले हम एनवायरमेंट की बात करेंगे और ब्लू फ्लैग बीचेस की बात करेंगे। ये अभी न्यूज में आता है बिकॉज तमिलनाडु ने अनाउंस किया कि हम और ज्यादा बीचेस को ऐड करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे राजाजी टाइगर रिजर्व की। राजाजी टाइगर रिजर्व अभी फाउंडेशन बनाने की बात कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज इन न्यूज। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, क्योंकि इसका मीटिंग अभी 6th मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और स्पेस में हम बात करेंगे नासा के एक प्रोजेक्ट इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके बाद पॉलिसी में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव, मेरा युवा भारत माई भारत माई भारत सॉरी। उसके बाद साइंस एंड टेक की तरफ हम बढ़ेंगे और साइंस एंड टेक में स्टूडेंट्स हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन को अभी तक हम हमेशा अपनी किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बट अभी एक नई खोज यहां पर दुनिया में हो गई है हीमोग्लोबिन को लेकर, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कार्बन नैनो फ्लोराइड के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम डिफेंस के S-400 के बारे में पढ़ेंगे। S-400 को लेकर 2018-19 में रशिया के साथ हमने पांच प्रोडक्ट्स को लेकर एग्रीमेंट साइन किया था, 3 हमारे पास आ चुके हैं, 2 भी पेंडिंग है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर आज का सेशन और मैं उम्मीद करता हूं यहां पर सब कुछ ओके है। हाँ जी, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। पटवारी के लिए भी आएंगे, यस राहुल चौहान पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज बताएं क्या सभी को वॉइस नहीं आ रही है एक बार बता दीजिए, देन हम टेक्निकल पर्सन से चेक करवा लेते हैं। एक बार बता दीजिए क्या अनीता जी को ही आवाज नहीं आ रही है या बाकी सबको भी नहीं आ रही है, एक बार जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं प्लीज कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए कंफर्म मिल गया है कि आ चुका है, यहां पर आवाज आ रही है। तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी एक प्रण लिया, क्या बोला कि हम और ज्यादा बीचेस को ब्लू फ्लैग स्टेटस के लिए लेकर आएंगे। अब देखो समुद्र के आसपास जो लगते हुए स्टेट्स भारत देश के हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु, इनमें बहुत सारे बीचेस होते हैं, इनमें बहुत सारे बीचेस होते हैं जिस तरह से आप देख पा रहे हैं समुद्र के किनारे। ठीक है, सो तमिलनाडु कहता है कि हम और ज्यादा बीचेस को लेकर आएंगे। अभी तक तमिलनाडु का सिर्फ एक ही बीच है जो कि ब्लू फ्लैग स्टेटस के अधीन आता है, और ये ब्लू फ्लैग स्टेटस है क्या इसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। सो देखिए तमिलनाडु की सरकार कहती है कि हम स्टेट की कोस्ट लाइन में ब्लू फ्लैग स्टेटस के बीचेस को और ज्यादा देख रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर काम करेंगे, इन बीचेस को आइडेंटिफाई करेंगे और इनको अच्छा बनाकर, ठीक है, सो इनके इनका जो नाम है हम टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के अंदर लेके आएंगे। देखिए ब्लू फ्लैग स्टेटस मिल जाने से पहली बात तो ये होती है कि इन बीचेस के ऊपर टूरिज्म ज्यादा जनरेट होने लगता है, क्योंकि ये एनवायरमेंटली सेफली बोले जाते हैं। ब्लू फ्लैग बीचेस वो बीचेस होते हैं जो एनवायरमेंट के टुवर्ड्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के टुवर्ड्स, अपनी क्लीनिंगनेस के टुवर्ड्स वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि ये साफ सुथरे बीचेस आपको दिखाई देंगे। सो एट प्रेजेंट यहां पर तमिलनाडु का सिर्फ कोवालम बीच जो है, यही यहां पर भारत देश में 12 बीचेस टोटल है जिनको ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला हुआ है, उनमें से सिर्फ कोवालम बीच जो है तमिलनाडु का इसको स्टेटस मिला हुआ है। जी हाँ, तो टोटल भारत के कितने बीचेस को ये स्टेटस मिला हुआ है, तो 12 बीचेस है भारत के। कौन कौन से हैं? एक तो कोवालम हो ही गया,
इसके अलावा कौन कौन से हैं? गोल्डन बीच है ओडिशा का, शिवराजपुर बीच है गुजरात का, कप्पड़ बीच है केरला का, घोगला बीच दीव का, राधानगर बीच अंडमान निकोबार, कसारकोड बीच कर्नाटका, पाडुबिद्री बीच कर्नाटका, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, एडन बीच पुडुचेरी, मिनीकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप का कदमत बीच। ये हमारे पास वो बीचेस है जिनको ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला हुआ है। आप देखेंगे इनमें से गोवा का कोई भी बीच नहीं है, क्योंकि गोवा के जो बीचेस है वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर साल लोग गोवा घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, हर पल हर समय। जैसे अभी विंटर्स का सीजन आएगा तो गोवा भरने लगेगा, क्योंकि गोवा में तो गर्मी होती है, वहां तो बेसिकली है नहीं। और साउथ में बाकी सारे प्लेसेस इतने ज्यादा डेवलप नहीं है जहां ज्यादा क्राउड लोग नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि इन प्लेसेस पे टूरिस्ट नहीं आते, टूरिस्ट आते हैं, बट गोवा में बहुत ज्यादा ओवर क्राउड हो जाता है। सो ये बीचेस अपने आप में एक उपलब्धि हासिल करके बैठे हुए हैं, अच्छे खासे टूरिस्ट हॉटस्पॉट हैं, और तमिलनाडु कहता है कि हम और ज्यादा ऐसे बीचेस को स्टेटस में लेके आएंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क के अंदर है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को लेकर वर्क करती है। इसने 1985 में इनिशिएट किया था फ्रांस के अंदर क्या ब्लू फ्लैग प्रोग्राम। सो यहां पर जो भी एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बीचेस हैं, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बीचेस हैं, उनको हम ब्लू फ्लैग बीच का स्टेटस देंगे। सो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1985 में फ्रांस के अंदर, उसके बाद यूरोप में इसकी शुरुआत, सॉरी यूरोप के बाहर इसकी शुरुआत होती है 2001 में। और इसका मेन पर्पस यही है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है पानी में अंदर, ब्लू इकोनॉमी मरीन सेक्टर में, फ्रेश वाटर में यहाँ पर बोला जाता है। सो यहाँ पर वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सेफ्टी, ये चार मैटर रहते हैं ब्लू फ्लैग स्टेटस की तरफ आगे बढ़ने से पहले। आपको इन चार प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तमिलनाडु यहां पर वर्क कर रहे हैं और भारत देश में 12 बीचेस को मिला हुआ है स्टेटस ऑफ द ब्लू फ्लैग, और ये यूरोप से बाहर यानी कि एशियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज को मिलना शुरू हुआ 2001 के बाद। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस। इंटरनेशनल सोलर अलियंस की हाल ही में एक मीटिंग होती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इंटरनेशनल सोलर अलियंस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी तो डीप में इसकी फंक्शनिंग को पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलियंस वो बॉडी है दुनिया भर में जो सूर्य एनर्जी को लेकर वर्क करती है, सोलर एनर्जी को लेकर वर्क करती है। आप सब जानते हैं कि सूर्य से आने वाली एनर्जी को, सूर्य से आने वाली लाइट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका इनिशिएट भारत देश ने लिया। कैसे? हमारे पास दुनिया में क्लाइमेट चेंज के लिए एक बॉडी वर्क करती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसकी हर साल एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉप। तो कॉप 21 जो है ये 2015 में हुई थी। 2015 में कहां पर? पेरिस के अंदर। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में, आप सबको पता है। पेरिस फ्रांस में 2015 में कॉप 21, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये मीटिंग होती है। भारत भी इसमें हिस्सा लेता है और इंडिया इसमें बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन देता है टू प्रोड्यूस द सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य से आने वाली लाइट से हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। सो इसके लिए हमें सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे। तो इंडिया यहां पर इनिशिएट लेता है और दुनिया में एक बॉडी का जन्म होता है। जी हाँ, पेरिस फ्रांस की इसी मीटिंग के दौरान एक बॉडी बनती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलियंस। कब बनती है? 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है भारत देश के अंदर। जी हाँ, गुरुग्राम इंडिया, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है भारत देश के अंदर। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज का इस साल का जो मीटिंग है जिसको हम कॉप 28 कहेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ये कहां होने जा रहा है? ये होने जा रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने जा रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंटरनेशनल सोलर अलियंस के चलते हुए भारत ने टारगेट लिया कि हम 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे 2022 तक। टोटल इंडिया का टारगेट था, दैट इज 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। इसमें से 100 गीगावाट का टारगेट जो था वो सिर्फ सोलर एनर्जी का ही था। हालांकि इंडिया इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, बट हमने बहुत मेहनत करी, बहुत यत्न करे और काफी हद तक अचीव किया, बट पूरा नहीं कर पाए। अब बैक टू द बेसिक्स आते हैं।
छठा असेंबली जो है, सिक्स्थ असेंबली मीटिंग जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, अभी हाल ही में भारत मंडपम में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, जिसको हमारे पावर एंड न्यू रेन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, इन्होंने चेयर किया। लगभग 20 देशों से मिनिस्टर्स जो है, डेलीगेट्स जो है यहां पर आते हैं। टोटल 116 मेंबर्स जो है सिग्नेटरीज कंट्रीज के इसमें हिस्सा लेते हैं। अब क्या क्या डिसीजन इस मीटिंग के दौरान लिए गए, सो यहां पर देखा गया कि हम वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इसको 10% से बढ़ाकर 35% करेंगे, यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग को इंक्रीज किया जाएगा। अब यहां पर वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए एक प्रोग्राम जो है, ताकि वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है सबको अवेलेबल हो सके, डेवलपिंग कंट्रीज में अवेलेबल हो सके, इसके लिए एक प्रोग्राम इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेके आएगा। सो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो है, ये यहां पर एक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है $35 मिलियन का रिसीव करने वाली है, और जो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है ये पेमेंट गारंटी फंड प्रोवाइड करवाएगी, इंश्योरेंस फंड प्रोवाइड करवाएगी, दैट इज टू मिटिगेट द प्रोजेक्ट रिस्क एंड द इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द टेक्निकल असिस्टेंस। यानी कि अगर आप पैसा उठा रहे हो सूर्य एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के तहत आपकी गारंटी लेगा, क्लियर। सो चार प्रोजेक्ट जो है ISA की असिस्टेंस से चलेंगे, जिनको इनॉग्रेट किया गया जाएगा। सोलराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मलावी, जी हाँ, मलावी देश जो है इसकी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके पूरे ऊपर लगाए जाएंगे सोलर पैनल्स। उसके बाद सोलराइजेशन ऑफ टू रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स इन द रिपब्लिक ऑफ फिजी, फिजी देश के अंदर दो रूरल हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर सोलराइजेशन किया जाएगा, बड़े बड़े एरियाज को चूज किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज लगाया जाएगा 5 मेट्रिक टन की कैपेसिटी का, एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए सेशल्स देश के अंदर। उसके बाद किरीबाती के अंदर जो नवाय जूनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर सोलराइजेशन किया जाएगा। सो ये चार प्रोजेक्ट जो है इनको सेटअप किया जाएगा, इनको इनोग्रेट किया गया है, ठीक है, इनको इनोग्रेट किया गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पहले बता चुका हूं, अभी तक 94 कंट्रीज जो है वो साइन कर चुकी है इसको और रेटिफाई कर चुकी है। इसका अभी जो टारगेट है वो है टुवर्ड्स 1000 बोलने का मतलब यहां पर क्या है कि $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें सोलर एनर्जी में लेके आनी है 2030 तक। इसके साथ साथ लगभग 1000 मिलियन लोगों को हमें क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने हैं, हमें 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी लेके आनी है, हमें जो है ग्लोबल सोलर एमिशन जो है इसको 100 मिलियन टन बेसिकली लेके जाना है, दैट इज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एवरी ईयर हर साल 100 मिलियन टन्स। सो ये हमारे टारगेट है, दिस इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई सवाल आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इन्फ्यूज की। मैंने आपको इन्फ्यूज के बारे में भी बताया था, तो नासा ने अभी एक रॉकेट लॉन्च किया, दैट इज टू स्टडी द 20,000 ईयर ओल्ड सुपरनोवा, 20,000 साल पुराने सुपरनोवा की स्टडी के लिए नासा ने, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रॉकेट को लॉन्च कर दिया। अब ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको नाम दिया गया इस मिशन को इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज। इसको व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज से न्यू मैक्सिको से लॉन्च किया गया है। सो ये जो है ये यहां पर सिग्नस लूप की स्टडी करेगा जो कि एक सुपरनोवा रेमिनेंट है जो कि 20,000 साल पुराना है। ये जो इन्फ्यूज मिशन है ये सिग्नस लूप की स्टडी करेगा और साइकिल ऑफ स्टार्स की, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स की स्टडी करेगा, उसको समझेगा। ये जो इन्फ्यूज मिशन है ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा लगभग फॉर अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 150 माइल्स, लगभग 240 किलोमीटर की हाइट से। और जो इंस्ट्रूमेंट ये है लाइट स्ट्रीमिंग को गैदर करेगा, कहां से, सिग्नल लूप से, फ्रॉम द फार अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ। सो इसके साथ साथ इन्फ्यूज जो है दैट विल ऑब्जर्व द कि सुपरनोवा डम्प्स, सुपरनोवा कैसे एनर्जी को डंप करते हैं मिल्की वे के अंदर लाइट गिवन ऑफ करके, बाय कैचिंग द लाइट गिवन ऑफ जस्ट एज द ब्लास्ट वेव क्रैशेस इनटू पॉकेट्स ऑफ द कोल्ड गैस। इस तरह से ये वर्क करता है। और सुपरनोवा जो है ये एक पावरफुल एंड ल्यूमिनस एक्सप्लोजन होता है एक स्टार का। सुपरनोवा जो है ये लास्ट एवोल्यूशनरी स्टेजेस, एक मैसिव स्टार की लास्ट एवोल्यूशनरी स्टेजेस पे जाकर अक्कर होता है, और यहां पर ये ग्रेट लाइफ साइकिल का एक हिस्सा माना जाता है। सो ये हैवी मेटल जो है
प्रे करता है, दैट इज इन दैट फोज्ड इन अ स्टार कोर इनटू द क्लाउड्स ऑफ सराउंडिंग डस्ट एंड द गैसेस। सो जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, आयरन से हैवियर जो भी हैं, ठीक है, ये अपनी ऑन बॉडीज को बनाते हैं, इसके कारण ये वर्क कर रहा है, बफरिंग हो रही है। आइए चेक करवा लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो सिग्नस लूप के बारे में थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। तो सिग्नस लूप जो है, ठीक है, ये एक रेमिनेंट होता है स्टार का जो कि 20 टाइम होता है हमारे सन से, ठीक है, ये हमारे सन से 20, दैट वाज वंस 20 टाइम्स द साइज ऑफ अवर सन। 20,000 साल पहले जब स्टार कोलैप्स हो गए अपनी ही ग्रेविटी के अंदर, तो एक सुपरनोवा के अंदर ये इरप्ट होकर निकलते हैं। और ये सुपरनोवा जो है कुछ मैटर जो होता है, द सम मैटर ऑफ एक्सप्लोजन रिमेन सस्पेंडेड इन द यूनिवर्स, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने सिग्नस लूप का नाम दिया, सिग्नस लूप का नाम दे दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, दैट इज उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है ये राजा जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने जा रहा है, राजा जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, यह निर्णय यहां पर लिया है, ठीक है, दैट इज फॉर द इकोनॉमिक सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द लैंडस्केप। सो राजा जी नेशनल पार्क जो है ये एक इंडियन नेशनल पार्क है, आप सब जानते हैं पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार देहरादून के पास, हरिद्वार देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के तीन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पड़ता है। इसको जो बहुत ही फेमस हमारे फ्रीडम फाइटर थे राजा गोपालचारी, इनके नाम पे नाम रखा गया इसका, राजा जी क्लियर। ये शिवालिक रेंज के साथ बसा हुआ है, ठीक है, दैट इज इन द राजा जी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ठीक है। राजा जी मोतीचूर चिला, ये तीन सेंचुरीज यहां पर इसके अंदर एस्टेब्लिश की गई थी 1983 में, ये राजा जी नेशनल पार्क, क्लियर जी। जब हम तीन सेंचुरी को मर्ज करते हैं और उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क बनाया गया था, इसको टाइगर रिजर्व 2015 में डिक्लेयर किया गया और ये भारत का 48th टाइगर रिजर्व बना था। गंगा और सोंग नदियां यहां से निकलती है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बात करते हैं मेरा युवा भारत, माई भारत। सो ये एक ऑटोनोमस बॉडी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, नेशनल यूनिटी डे के चलते हुए मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है युवाओं को एकत्रित करने के लिए। तो 15 से 29 साल के जो युवा है उनको यहां पर देश के लिए काम आने के लिए, यानी कि विकसित भारत का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो मेरा युवा भारत एक फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फिजिकल एक्टिविटी यहां पर करवाता है और एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप डिजिटली भी कनेक्ट हो सकते हो। तो 15 से 29 साल का एक पर्सन यहां पर आता है, ठीक है जी। सो एडोलसेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है मेनली, और इसके साथ साथ जो नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके लिए काम करेगा। सो ये फ्रेमवर्क लेके आएगा जहां पर हमारे देश का जो युवा है ये प्रोग्राम से जुड़ चुकेगा, मेंटर से जुड़ चुकेगा एंड लोकल कम्युनिटी से जुड़ सकेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरा युवा भारत का, कि हमें गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है ये डेडिकेट करना है, दैट इज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द यूथ। जैसे कि लीडरशिप डेवलपमेंट लेके आनी है यूथ के अंदर, ठीक है, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है, उसके साथ साथ वन स्टॉप शॉप लेके आना है फॉर द यंग पीपल एंड मिनिस्ट्रीज, उसके साथ साथ हमें सेंट्रलाइज्ड यूथ डेटाबेस बनाना है, ये यहाँ पर मेन कार्य हमारे निकल कर आते हैं। उसके बाद अभी एक स्टडी की जाती है, अगला करंट अफेयर कहता है कि हेमोग्लोबिन जो है ये सिर्फ हमारे खून में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, साइंटिस्ट ने अभी बहुत फेमस डिस्कवरी करी है। सो अभी एक डिस्कवरी आती है, और इससे पहले जब हम हमेशा पढ़ते आ रहे थे कि हमारी किताबों ने हमें सिखाया कि हेमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ये हमारे ब्लड को रेड करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी है। सो अभी नेचर में एक स्टडी को पब्लिश किया गया, साइंटिस्ट जो है चाइना के, इन्होंने रिपोर्ट किया कि चॉन्ड्रोसाइट्स दैट सेल दैट मेक्स कार्टिलेज द कनेक्टिंग टिश्यू बिटवीन द बोन्स ऑल्सो मेक द हीमोग्लोबिन, ये भी हीमोग्लोबिन बनाता है एंड इसकी सर्वाइवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो हेमोग्लोबिन जो है एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से लेकर बॉडी के टिश्यूज तक और रिटर्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स। सो ये चार प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। हेमोग्लोबिन जो है एक अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर और अपनी ऑक्सीजनेटेड स्टेट में जाकर इसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी कहते हैं।
और इसकी रिड्यूस्ड स्टेट में हम इसे डीऑक्सीहेमोग्लोबिन कहते हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टेब्रेट्स में अवेलेबल होता है, और जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं कोल्ड वाटर आइस फिश ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द कोल्ड वाटर आइस फिश ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वाय द हेमोग्लोबिन्स। और द हेमोग्लोबिन्स जो है ये सेल्स में डेवलप होता है इन बोन मैरो और बन जाता है रेड ब्लड सेल्स। हेमोग्लोबिन लेवल जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इन मेन में बेसिकली ज्यादा लेवल होता है वुमेन से। और लो हेमोग्लोबिन लेवल जो होता है ये अनेमिया, लो रेड ब्लड सेल्स इसका कारण होता है, इसका कारण यहाँ पर बनता है। क्लियर? किसी को कोई सवाल यहाँ पर आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी अगर बफरिंग हो रही है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अभी भी अगर आपको बफरिंग फेस हो रहा है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, टिनी कार्बन फ्लावर्स जो है ये लाइट को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आईआईटी की टीम ने अभी बताया। आईआईटी बॉम्बे ने अभी देखा कि आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने कार्बन नैनो फ्लोरेट्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि इंसिडेंट सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में विद द 87% एफिशिएंसी। ये जो फ्लावर्स है, ठीक है, मैरीगोल्ड फ्लावर्स के जैसे होते हैं जो कि कार्बन के बने हुए हैं, जिनको हम मटीरियल कार्बन नैनो फ्लोरेट्स कहते हैं, इनको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द व्हाइट पाउडर टर्न्ड ब्लैक अ साइन दैट कार्बन हैड बीन डिपॉजिटेड ऑन द दैट इज द डेंड्रिटिक फाइब्रस नैनोसिलिका। और जो ब्लैक पाउडर कलेक्ट किया गया है, ट्रीट किया गया है स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ, वो इसके साथ डिजोल्व हो जाता है और कार्बन पार्टिकल छोड़ जाता है। सो 50 से लेकर 1200 नैनोमीटर साइज में ये होते हैं सिलिकॉन पार्टिकल्स, ठीक है जी। और कार्बन नैनोफ्लोट्स जो है इनकी हाई एफिशिएंसी आती है तीन प्रॉपर्टीज से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो हमारा है ये S-400 यूनिट जो है, तीन S-400 यूनिट जो है चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा रहा है। S-400 आप समझ सकते हैं क्या है, जिस तरह से आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है S-400, ठीक है, एक मिसाइल सिस्टम जो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ उसको लगाया गया। भारत ने रशिया के साथ मिलकर फाइनल डिलीवरी जो है रिमेनिंग दो स्क्वाड्रन की जो है चूज करी है। सो इंडिया ने 35,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था रशिया के साथ 2018-19 में, 5 स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम। सो अभी तक 3 ही आए हैं हमारे पास। S-400 ट्रिम्स जो है एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सो इसको अल्मा सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ रशिया ने बनाया है। पहली बार इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। क्लियर? सो रडार जो है इन सिस्टम में फिट की जाती है, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स जो है 400 किलोमीटर के रेंज से आ रहे होते हैं उनको ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक से इसको डिटेक्ट कर लेता है। क्लियर? सो 36 टारगेट को साइमल्टेनियसली ये एंगेज कर सकता है, 36 टारगेट को। आगे बढ़ेंगे, भारत की नंदिनी दास, भारत में पैदा हुई नंदिनी दास, इंडिया बोर्न ऑथर नंदिनी दास जो है इनको 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज दिया जा रहा है। और इस प्राइज के अंदर, ये नॉन फिक्शन प्राइज है, इसके अंदर 25,000 जो है GBP दिए जाएंगे। क्लियर? 25,000 का ये प्राइस इनको दिया जाएगा। और इनको कॉटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इस किताब के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लियर? इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का करंट अफेयर। अब MCQs की तरफ बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब MCQs को डिस्कस कर लेते हैं कि MCQs आज की क्लास के क्या कहते हैं। आइए, सो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर बीचेस को लेकर सवाल पूछा गया है, आप लोगों को आंसर करना है कि ब्लू फ्लैग बीचेस जो इंडिया में दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच है। गोल्डन बीच, कसरकोड बीच, इडन बीच एंड द राधानगर बीच। देखिए, अभी हमने पढ़ा था इडन बीच कहाँ पर है, पुडुचेरी के अंदर है। इडन बीच कहाँ पर है, पुडुचेरी के अंदर है। सो दो ऑप्शन तो निग्लेक्ट हो गए ना, ठीक है, सेकेंड और थर्ड वाला ऑप्शन निग्लेक्ट हो गया। अब गोल्डन बीच जो है ये ओडिशा में ही है, कसरकोड कर्नाटका में ही है, राधानगर बीच जो है ये भी महाराष्ट्र में नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 and 2 इज करेक्ट। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठी असेंबली जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसको फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा पेरिस के अंदर, एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेडक्वार्टर्ड एट गुरुग्राम एंड इट इज गाइडेड बाय द टुवर्ड्स 100 स्ट्रेटजी। अब देखिए, इसकी जो मीटिंग है ये होती है भारत में, भारत मंडपम में, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया।
सेकेंड वाला क्या कहता है कि सोलर अलायंस जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया गया था, हुआ था, दैट इज COP21 के चलते हुए। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, ये भी बात बिल्कुल सही है, बट ये टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी थी, ना कि टुवर्ड्स 100 स्ट्रेटेजी। क्लियर, 100 गीगावाट का टारगेट वाली थी। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट जो है इसको इसरो ने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया दोस्तों। इन्फ्यूज मिशन जो है दैट विल स्टडी द सिग्नस लूप, एंड द सिग्नस लूप इज द गैलेक्सी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नाइट स्काई। नॉर्दर्न, ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर हम बात करेंगे 2600 लाइट ईयर अवे है, दिस वन इज करेक्ट। सो सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट हियर, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। राजाजी नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर द सी राजा गोपालचारी, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2015 एंड अ 48th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो यहां पर करेक्ट वाला बताना है, और आप देख पा रहे हैं कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही यहां पर हमें दिखाई दे रही है करेक्ट, बोथ वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। मेरा युवा भारत जो है ये एक पाइवटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैसिलिटेटर है यू डेवलपमेंट के लिए, और होम अफेयर्स, देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वो इसके लिए जो है सुटेबल मिनिस्ट्री है। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट। अगला सवाल, हेमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यूज। All vertebrates except cold water ice fish transport oxygen via hemoglobin. अब करेक्ट बताएंगे, और दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं करेक्ट। अगला सवाल, कार्बन नैनोफ्लोरेट्स जो है ये टीनी मैरीगोल्ड फ्लावर्स जो है दैट इज ओनली मेड ऑफ कार्बन, एंड दे कैन कन्वर्ट इंसिडेंट सनलाइट टू हीट विद इन द 67% एफिशिएंसी। अब यहां पर इनकरेक्ट वाला बताना है, और आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ सेकंड वाला ही इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, S-400 इज अ मोबाइल एयर टू एयर, देखिए ये सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर नहीं है, एंड इसको रशिया ने बनाया है। दोनों ही गलत हो जाते हैं, दोनों ही गलत हो जाते हैं, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का विनर कौन है? So, ये पुरस्कार दिया गया नंदनी दास को, ये अवार्ड मिलता है नंदनी दास को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।